राम मंदिर पर फैसले आए अभी एक ही हफ्ता गुजरा है, लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर ही एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत के दांव पे चलने शुरू कर दिए हैं। पहले बयान और अब ट्विटर के जरिए ओवैसी ने अयोध्या पर क्या कहकर भड़का दिया है, देखिए इस रिपोर्ट को। दुक्का जैसे गेहूँ में कंडुआ होता है ना, तुमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है, 5 एकड़ जमीन। मुझे मेरी मस्जिद चाहिए, बस एक ट्वीट और ओवैसी के इन 4 शब्दों ने देश के सबसे पुराने विवाद को एक बार फिर राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया। बस इसी एक ट्वीट के बाद खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने फिर अपना राग अलापना शुरू कर दिया। साथ ही ओवैसी के इस ट्वीट के लोगों के जबरदस्त जवाब भी आए। मांग ओवैसी को देश से निकालने तक की उठने लगी। उधर ओवैसी ने जहर उगला, इधर बीजेपी की तरफ से जवाब आने लगे। ओवैसी के भड़काऊ बयानों पर बीजेपी ने जबरदस्त जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर धर्म पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को याद दिलाया कि ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। धर्म पर राजनीति करना चाहते हैं हम, उसके विरोधी। ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, देश इसका विरोधी है। ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सब मान रहे हैं, हिंदू भी मान रहे हैं, मुस्लिम मान रहे हैं। अगर एक ओवैसी नहीं मान रहे तो इसका साक्षी महाराज के पास कोई इलाज नहीं, कानून अपना इलाज करेगा। ओवैसी पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि साधु संत का समाज भी हमलावर हो चुका है। अपने बेतुके बयान के साथ ओवैसी क्या साबित करना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन ओवैसी के बयानों पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। ओवैसी को भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। ओवैसी जैसे उन्मादी लोग भारत को छोड़ दें, अमन चैन शांति से भारत में भारतवासियों को रहने दें, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं तो वो राग द्वेष को बीज बो रहे हैं, उनको शांति पसंद नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। वैसे तो अयोध्या पर फैसला आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में भी मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था, लेकिन उस वक्त भी ओवैसी अपने भड़काऊ बयानों से बाज नहीं आए थे। तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है, 5 एकड़ जमीन की हम मस्जिद बना सकते। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सार्वजनिक नाराजगी, फिर ट्विटर के जरिए अपनी मस्जिद की मांग, भड़काऊ बयानों से ओवैसी कब बाज आएंगे ये तो वही जाने, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि विवादित बयानों के साथ खबरों में कैसे रहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।